नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। थोड़ा आज फिर से लेट हो गए हम लोग एनालिसिस करने में। टाइम हो गया 6:40 और 16 तारीख है, तो कल यानी कल है 17 नवंबर और कल है आपका एक्सपायरी का दिन। ठीक है, 17 नवंबर एक्सपायरी का दिन। तो कल निफ्टी बैंक निफ्टी क्या कर सकते हैं उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। लास्ट 3 दिन से आप मेरा व्यू देख रहे हैं, लाइव मार्केट में भी मैं शेयर कर रहा हूं, शाम को भी मैं शेयर कर रहा हूं कि मार्केट क्या स्टैगफ्लेशन टाइप स्टैटिक टाइप रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। तो उसी प्रकार से आप देख रहे हैं, ये जो आपको चीज यहाँ दिख रही होंगी, ये आपका मंडे, ये आपका ट्यूजडे, ये आपका वेडनेसडे, 3 प्यादे बने। ठीक है, 3 क्या है, एक सिपाही राम बने हैं, जैसे लड़ाई होती थी ना पहले, तो सिपाही सिपाही होते थे, प्यादे जिनको कहते हैं चेस के जो प्यादे, वो प्यादे पिन बार टाइप की कैंडल बन गई एक्चुअली। तो ये क्यों है ऐसा, मुझसे बहुत लोग ऐसा, क्योंकि देखिए ये लाइन जो मैंने यहाँ खींची हुई है, ये कोई ऐसी वैसी लाइन नहीं है जहां पे आके इसका जी जो है अटक गया। दो रीजन मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, ये देखिए, ये मंथली चार्ट है। क्या है? मंथली चार्ट। मंथली चार्ट में क्या है, जो आपकी एक कैंडल है एक मंथ को दिखा रही है। अब देखिए ये 2018 से है, ठीक है, 2018 के अंदर ही चलता रहा एक तरीके से, और यहां इसने कोविड में जो मार्च का मंथ था उसमें ब्रेक किया, तो बड़ा जबरदस्त फॉल है। दोबारा इसके अंदर घुसा है 2021 अप्रैल में, 2021 अप्रैल में, ऑलमोस्ट आफ्टर 1 ईयर। तो इसके अंदर भी इसने, ये देखिए, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, फिर एक, फिर ये दो रेजिस्टेंस, फिर यहां पे ब्रेक किया, और ये कौन सा मंथ है आपका, 2021 का शायद सितंबर, जून या जुलाई ऐसे कुछ होगा, देख लेते हैं, 8वां महीना है भैया। ठीक है, 8th मंथ में इसने क्या दिया, ब्रेकआउट दिया। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी ये फिर से इसी चैनल के अंदर यहां पे इसी के ऊपर अटक रहा है। तो ये रीजन है कि 18,400 के आसपास जाके भी ये ऊपर नहीं टाप पा रहा। ये देख लीजिए, एक बार इसने यहां पे अटेम्प्ट किया है, एक बार इसने यहां पे, हाल फिलहाल के मैं दिनों की बात करूं, अगर अगस्त से लेके पीछे भी इसको इसने, इसी चैनल ने रेजिस्टेंस दिया है। अब डेली चार्ट अगर आप लगाएंगे तो ये देख लीजिए, इस लाइन के ऊपर इंट्राडे में तो जा रहा है, बट क्लोज करने के लिए नीचे आया था। आज भी अच्छे खासा इंट्राडे में ऊपर, क्लोज करने के लिए नीचे आया, वो नीचे गिरने को तैयार है नहीं, क्योंकि चार्ट पैटर्न बहुत जबरदस्त बुलिश है। और FIs की डेली कैश में क्या हो रही है, बाइंग हो रही है। FIs क्या कर रहे हैं, डेली कैश में क्या कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, वो आपको डेली आंकड़ा दिख ही रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप नजर डालें पिछले चार दिन की इस कैंडल को मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोज होने के बाद ये तेजी अच्छी खासी हो गई, 3 दिन की कैंडल पे नजर डालें तो फिजल आउट होता हुआ दिख रहा है। जो गेन है मार्केट में वो एक फिजल आउट होता हुआ दिख रहा है, और हमें नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहां से ब्रेकआउट देता हुआ मुझे लग नहीं रहा। इसको देना होता तो ये दे चुका होता ब्रेकआउट, तो अब ये करेगा क्या, एक ऐसे गिरावट होनी चाहिए मार्केट में। अब वो या तो आप ये लेवल मार्क करिए, ठीक है, ये लेवल, ये जो जोन है, ये आता है 18,180। ठीक है, या तो ये यहां पे सपोर्ट लेके ऊपर की गाड़ी पकड़ेगा, या फिर ये जो गैप है, ठीक है, ये जो गैप है यहां से लेके, ये जो गैप है, ये है लेवल आपका 18,040। तो या तो ये यहां से लेके ऊपर की गाड़ी पकड़ेगा, तो दो लेवल के आसपास आपको ध्यान रखना है। एक लेवल आपको ध्यान रखना है 18,180, एक लेवल आपको ध्यान रखना है 18,000 से लेके 17,980 से लेके 18,040। यहां से आके फिर ये जाए, जाना ऊपर ही, तो एक नीचे की तरफ पुलबैक आने दीजिए, और फिर ही ये मुझे लगता है ऊपर की तरफ तोड़ेगा। हल्की फुल्की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है यहां से 200 से 300 पॉइंट की, वहां पे तैयार रहिएगा बाई करने के लिए।
अच्छा, इस गिरावट को भी अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो देखिए, इस गिरावट को मैं सिंपल सी बात बता दूं, कल से आप पुट ले सकते हैं 18,500। ये आपका एसएल होना चाहिए, जहां भी मार्केट मिले थोड़ा सा ऊपर भी मिले शॉर्ट करिए, टारगेट 18,200 और 18,118,000, ये तीन टारगेट के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं 18,500 का एसएल लेके कल से, ठीक है, कल से। और इसको आपको ट्रेड करना है दिसंबर मंथ की फर्स्ट वीक की एक्सपायरी में, क्योंकि नवंबर का तो मंथ खत्म ही 24 नवंबर को हो रहा है भाई, तो उसमें ट्रेड नहीं करना है, उससे आगे वाली एक्सपायरी में ट्रेड करना है, बट कल से ट्रेड करना है पुट का ट्रेड, अब नहीं। एक बार नीचे की तरफ आना चाहिए, ये तीन कैंडल यहाँ पे दिखा रही है, खूब जोर लगा लिया इन्होंने, ये नीचे की तरफ आएगा फिर ये ऊपर जाएगा, ठीक है, वहां पे बाय कर लेना है फिर। या फिर अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो ये जो लो लगा है ना 18,280, इसके नीचे शॉर्ट करिए, ठीक है, इसके नीचे शॉर्ट करिए 18,200, 18,118,000, यहां से भी शॉर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड लेके 18,500 का एसएल लगा के भी शॉर्ट कर सकते हैं। अगले चार पांच दिन में आप पुट साइड के ट्रेड देख ली कल से, ठीक है, कल भी हम देखेंगे हमें कहाँ करना है। फिलहाल ये निफ्टी में व्यू बन रहा है, बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी अच्छा खासा स्ट्रांग है, और बैंक निफ्टी एक बार कोशिश करेगा जाने की इस लेवल पर। मैं चाहता हूँ कि एक बार नीचे मिले 40,080 के आसपास, इस लेवल के आसपास मिले, या 42,000 के आसपास मिले, वहां से एक बार बाय करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि ये अब जाएगा 42,800 तक जाएगा, ये मैं आपके साथ कल भी शेयर कर चुका हूँ, क्योंकि 42,300 के ऊपर क्लोज होने का मतलब है अगले 500 पॉइंट की रेंज ओपन हो गई, अगले 500 पॉइंट की रेंज ओपन होगी और इस लाइन को छुएगा ये, तो ये 43,000 के आसपास ही आती है, 43,000 even 200 तक, तो यहाँ तक तो ये बैंक निफ्टी मुझे आराम से जाता हुआ दिख रहा है, बट विक्स इतना लो है, मूवमेंट इतना दाएं बाएं है, ज़्यादा पैसा बनेगा नहीं। आप देखें कल की क्लोजिंग कहाँ थी, 42,370 क्लोजिंग थी, 100-125 पॉइंट के दायरे में पूरा बैंक निफ्टी आपका घूम रहा था। क्लोजिंग कहाँ पे आई है अभी, 42,498 पे क्लोजिंग आई है, तो बहुत मुश्किल है इन चीज़ों को ट्रेड करना, ठीक है, तो एक गिरावट आने दीजिए फिर बाय करना है, मेरा कहने का मतलब यही। और बैंक निफ्टी में मैं गिरावट का ट्रेड नहीं करना चाहूँगा, मैं निफ्टी में करना चाहूँगा, सॉरी निफ्टी में मैं ट्रेड करना चाहूँगा, एटलीस्ट 18,180 तक तो आना चाहिए, 18,180, और मुझे लग रहा है 18,180 के नीचे 5-10 मिनट टिका तो फिर एक गैप फिल कर देगा, जो गैप आपको दिख रहा है ना, गैप छोटा मोटा गैप नहीं, काफ़ी बड़ा गैप हो गया, तो बड़े गैप जो है मार्केट फिल करने जरूर आता है, और इस जिस हिसाब से पिछले तीन दिन का मूवमेंट दिख रहा है, ये एक बार को गैप फिल करने के लिए जरूर आएगा, तो ये ट्रेड हम जरूर करना चाहेंगे, कल जिस प्रकार से मार्केट मौका देता है उसी हिसाब से हम इसको ट्रेड करना चाहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, स्टॉक्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, स्टॉक्स में आप ध्यान दे सकते हैं, पोजिशनल बेसिस मुझे टाटा केमिकल अच्छा लग रहा है, ICICI प्रूडेंशियल अच्छा लग रहा है, पेज इंडस्ट्री अच्छा लग रहा है, और भी कुछ, हाँ GNFC यहाँ से आप बाय करिए, अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है, गुजरात नर्मदा फ्लोरोकेमिकल ऐसे कुछ स्टॉक का नाम है, तो ये स्टॉक मुझे फिलहाल ठीक लग रहे हैं। ऑटो सेक्टर अच्छा लग रहा है, ऑटो सेक्टर इनफैक्ट मुझे 2-3 महीने के लिए अच्छा लग रहा है, उसमें भी आप देख सकते हैं एस्कॉर्ट अच्छा घोड़ा हो सकता है ऑटो सेक्टर में, इवन मारुति टाटा मोटर भी अच्छे लग रहे हैं, ये देखिए। बाकी इंडेक्सेस में कल से हम ट्रेडिंग शुरू करेंगे पोजिशनल बेसिस, एटलीस्ट 1 दिसंबर की जो एक्सपायरी है उसमें हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे पुट साइड का, तेजी तो फिर पूरे दिसंबर मंथ वाली जो एक्सपायरी होगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसमें हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, ये एक बार यहाँ से ऐसे करके ही तोड़ेगा, ठीक है। अब ये देखना पड़ेगा ये लो कितना बनता है, ये लो 17,980 से नीचे नहीं बनना चाहिए, मतलब जाना नहीं चाहिए क्लोजिंग बेसिस, अन्यथा मार्केट में कुछ और हो सकता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, थैंक यू, मेहनत लगती है।